उनका बेटा जो बेटी है वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, इवन आज भी जब हमारे सामने इतने ज्यादा प्रोफेशंस आ गए हैं, तो फैमिली ने कभी इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया कि मतलब MBBS बनते बनते बेशक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बट अलॉन्ग विद दैट आप एनिमल्स को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं? नहीं जी, मेरी फैमिली इस मामले में बहुत सपोर्टिव है। ओके, क्योंकि जब से मेरी, मुझे भी याद है मेरी छठी बर्थडे के लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे कुत्ता ले दिया था और तब से लेके अब देखिए मैं 24 साल का हो गया हूँ, अभी तक मेरे घर में कुत्ते हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा हुआ है कि एज लॉन्ग एज तुम अपने काम पर ध्यान दे सको, ये तुम्हारा पैशन है, तुम्हारी हॉबी है, इसको बेशक कैरी ऑन करो। और मेरे वालिद साहब को भी पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें अल्लाह भी बुरा नहीं मानेंगे और इंसान तो खैर बुरा मानेंगे। अच्छा, ना यू नो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? क्या? ही इज ओनली 24 नाउ, सिर्फ 24 साल के हैं और इतना प्यार और आप इतना कुछ कर रहे हैं जानवरों के लिए, कैसा फील होता है आपको? लेकिन जी अच्छा फील होता है, बिकॉज मैं एक ऐसी चीज का, ऐसी मखलूक का ध्यान रख रहा हूँ जो मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रिटर्न नहीं कर सकेगी, इसका अजर मेरे ऊपर वाला ही अल्लाह ताला देंगे आपको। और बेशक कोई माने ना माने, मुझे ये पता है कि इन जानवरों की दुआएं जो मुझे लगती हैं जो मैं आज यहाँ पर हूँ जी। वरना मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त MBBS कर रहे हैं, जो इस वक्त अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं जानवरों के लिए कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, 24 साल मैंने क्यों मेंशन किया था? क्यों मेंशन किया? क्योंकि मेरे ख्याल से ये वो वाले 24 साल हैं जो 10 साल के बाद भी ये 24 साल की रहने वाले हैं। नहीं जी, असल में मेरी डेट ऑफ बर्थ 91 की है। 91 के मासूम मुंह से लगता है कि वो जो है ना, आपके भी मासूम मुंह से लगते हैं, आप अभी स्वीट 16 की भी नहीं हुई, 16 साल की है। चुप कर जा, नहीं तो टेल मी डोंट मोलिया, इना नु 10 मेरी उम्र, तेरी उम्र, एदी उम्र, टोटल सारे मिलाओ तो 95 साल की बनती है। हसन को लग पई है मुटियारे, और तेरा बेड़ा तेरे भी हसा कटा। तो आप जानवरों का डॉक्टर बनना किस चीज ने इंस्पायर किया, आपने यही फील्ड क्यों चुनी? जैसे डॉक्टर नूर साहब कह रहे थे कि जो है ना फैमिली सारी यही चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, एक्चुअली मैं भी MBBS बनना चाहता था। अच्छा, जब लाहौर में एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आए तो जो सैचुरेशन होती है पाकिस्तान में MBBS के लिए, जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है तो वो बहुत ज्यादा नंबर होता है, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप इस फील्ड में भी अप्लाई कर लें, उसमें हो गया तो उसमें चले जाना, अदरवाइज ये आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, आप कम से कम डॉक्टर ज़रूर कह लें। मैंने अप्लाई किया तो उसमें पहली लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा, तो फिर फर्स्ट ईयर तो ऐसे गुजरा कि जैसे जो है ना किसी ने ज़बरदस्ती इधर बुला लिया हो हमें लेकिन ऐसा ऐसा इतना इंटरेस्ट हुआ कि क्रेज़ की लेवल तक, फिर जो है ना मेरा फील्ड जो मैंने सेलेक्ट किया यही जो है ना एनिमल, डॉग कैट्स और पेट एनिमल में ही काम करना चाहते हैं। अच्छा, डॉक्टर आबिद, कहा जाता है कि जो जानवरों को मेडिसिन दी जाती है आमतौर पर, हम भी घरों में हमारी बिल्ली बीमार है उसको बुखार हो गया तो हम इंसानों बच्चों वाली उसको मेडिसिन दे देते हैं कि अच्छा ठीक है बुखार है इसको यही खिला दो यही पिला दो, तो वो किस हद तक ठीक है, उन्हें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? 95% हम ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करते हैं पेट्स पे, मींस के हम दे सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैट्स में रिकमेंडेड नहीं है, खुसूसन आप कह दें कि कुछ पेन किलर या एनसेड हम अपनी जबान में कहते हैं वो नहीं देते, लिवर टॉक्सिक है, अदरवाइज सारी की सारी 95-96% ह्यूमन मेडिसिन यूज करते हैं। बिकॉज़ मैन इज आल्सो सोशल एनिमल, थोड़ा ही सब करके। अच्छा, TWS की हम बात कर रहे थे तो बेसिकली जो आपके स्ट्रे निग्लेक्टेड और वाउंडेड एनिमल्स हैं इनको आप लेके चलते हैं, तो मोस्टली किस तरह के केसेस सामने आते हैं? मतलब डॉग्स के साथ तो बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया जाता है, जहाँ पे देखा और वो स्टोन उठा के उसको मार दिया, बिल्कुल उसको जी। पीछे हटा दिया, फॉर फन मारते हैं। एग्जैक्टली, फॉर फन जी। एक तो सबसे पहले ये केस जो आपने अभी फरमाया ये आता है, उसके अलावा हमारे पास एक बहुत ऐसे केसेस आते हैं गर्मियों में खास तौर पे, स्केबीज एक डिजीज है, उसमें ये होता है कि जानवर के बाल झड़ना शुरू कर देते हैं और उनके उनको बड़ी इंटेंस किस्म की खुजली होती है और उनके स्कैब्स बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक। उसकी वजह से जानवर और डर जाते हैं और नहायत से ज्यादा वो तकलीफ में होता है, हम इस तरह के केसेस को बहुत डील करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसी बिल्लियां आ जाती हैं जिनकी माएँ जो हैं वो गाड़ियों के नीचे आके मर जाती हैं और हम इस तरह की छोटे 2 दिन के बच्चे जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली होती, इस तरह कुत्ते के बच्चे हमें मिल जाते हैं, कुछ माएं जो बिल्कुल इस वक्त डिलीवर करने वाली होती हैं वो हमें कुत्ते। अच्छा, मिल जाते हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं, जख्मी शुदा जानवर जो है हम उन्हें ट्रीट करते हैं
और इस चीज़ में डॉक्टर आबिद ने हमारा बड़ा साथ दिया है, वो सिवाय मेडिसिन के हमसे कोई चार्जेस नहीं लेते, हालांकि उनकी अपनी जो कंसल्टेशन चार्जेस हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर आबिद, जैसे उन्होंने बताया कि अभी ये डिजीज़ है, मैंने भी देखा है कि काफ़ी गलियों में और मोहल्लों में ऐसे कुत्ते होते हैं जिनको ये एलर्जी होती है, पिंक हो जाती है, इरीटेशन स्किन, तो हम खुद उनके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब हम उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, ऑब्वियसली हर कोई नहीं लेके जाता, लेकिन हम अपने तौर पर उनके लिए क्या कर सकते हैं? 100% सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये स्किन डिजीजेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया है सिर्फ एक डिजीज़ का डिस्कस किया है, मींस कि स्कैबी, ये एक स्किन पैरासाइट होता है जो हेयर फॉलिकल जो होते हैं उनमें रिजाइड करता है, और उसके क्लिनिकल साइन उस वक्त आते हैं जब इम्यूनिटी डिप्रेशन हो, मींस के इम्यूनिटी किसी भी वजह से स्ट्रेस हो उसकी वजह से। फिर इसके अलावा जो हमारे पास केसेस आते हैं स्ट्रेस के, बुलेट शॉट, लोग गोलियां मारते हैं, बच्चे रस्सियां डाल के जो है ना छोटे पाप्स के वो घसीट रहे होते हैं, इतनी टाइट होती हैं कि वो रस्सी उनको जैसे आप कह लें कि नीफ काटते हैं उसके कट लगे होते हैं, इसी तरह पैरालाइज जो आप कह दें कि रोड एक्सीडेंट में बेचारे हिट होते हैं वो आते हैं। तो जो स्किन का आप कह रहे हैं स्किन इशू, जब तक मेरा ख्याल है डायग्नोज ना हो उस वक्त तक रिस्पांस नहीं दे। अच्छा, स्किन इशू जरूरी है उसका। स्किन इशू में हार्मोनल चेंजेस भी आप कह दें उसकी वजह से भी स्किन के इश्यूज आते हैं, वो जब तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना हो हम ट्रीट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कह दें रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है, वो कैट्स में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डॉग्स के वो होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गर्मियों में जो होता है स्किन का प्रॉब्लम, इसको मस्ट डर्माटाइटिस या पस्टुलर डर्माटाइटिस हम कहते हैं अपनी जुबान, तो वो पस्टूल से बनते हैं स्किन पे और जो वो फर्दर स्प्रेड करते जाते हैं। मींस के जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो, मैं सॉरी आपसे जो है ना एग्री नहीं करूँगा, सेल्फ मेडिकेशन जो है ना मैं सजेस्ट नहीं करता ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो और फर्दर डिटीरियोरेट हो जाता है केस। अच्छा, आपने कहा कि अक्सर इस तरह के कैटेंस और पपीज भी आपके पास आते हैं जो कि बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो हाउ डू यू फीड देम? लाइक बिकॉज आई हैव 5 कैट्स, तो आई नो कि मतलब वो तो मदर फीडिंग पे चलती हैं, उनको फिर आप मतलब वाया फीडर या किस तरह से? मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जी, हम लोग बड़े फॉर्चुनेट रहे, हमने 2 ऐसी बड़ी बिल्लियाँ रेस्क्यू की थी जो ऑलरेडी नर्सिंग मदर्स थी। अब हमें नहीं पता कि उनके या तो बच्चे मर गए या उनके बच्चे गुम गए, वो नर्सिंग मदर्स थी। अब नर्सिंग जब एक मदर बिल्ली होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स एक ऐसी बिल्ली के हाई होते हैं। एग्जैक्टली हाई होते हैं, बिल्कुल भी हाई हो गए उस वक्त। एक देखिए जी, अल्लाह की कुदरत है कि उस वक्त उनके ब्रेन में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है जिसकी वजह से उनमें एक मदरली इंस्टिंक्ट आ जाती है। और 90-95% ऑफ द टाइम, कम से कम मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा, ये मैं कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा, ऐसी बिल्लियां और बच्चों को भी अडॉप्ट कर लेती हैं। हम बड़े फॉर्चुनेट रहे हैं, आई एम अ विटनेस ऑफ इट, बिल्कुल कर लेती हैं। एग्जैक्टली, तो ऐसी बिल्लियां दो हमने लिटरली, हमने बिल्ली रेस्क्यू की थी जिसके बच्चे हमें नहीं मिले थे। 3 दिन बाद हमें कुछ 2-3 दिन के बच्चे मिल गए थे, हमने उस माँ के साथ छोड़ दिए, वो बाहर आई, उसने एक दफा सूंघा, उठाए और अपने साथ अंदर ले गई। और अभी वो 8 हफ्ते के हो गए बच्चे। मजे की बात है, कोइंसिडेंस देख लें, 4 दिन बाद हमें एक और ऐसी बिल्ली मिल गई, ठीक, वो 2 अपने भी पाल रही है और 2 अडॉप्टेड भी पाल रही है। वाओ, अल्लाह की कुदरत है ना। लाइक मेरी जो कैट थी उसने 3 बच्चे दिए और एक उसमें से मर गया आफ्टर 2 or 3 डेज, आफ्टर अ वीक, मतलब जिस तरह से स्ट्रीट से बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे से, तो दे एंटर्ड द होम और उसने बिल्कुल जस्ट लाइक अ मदर उसको उसने पाला भी, उसको फीड भी कराया, बल्कि मैंने सम टाइम ये चीज भी नोटिस की कि अपने जो उसके बच्चे थे उससे ज्यादा उसने उस बच्चे को केयर की। एब्सोल्युटली, एंड मतलब नानकिन जज की उसका अपना बच्चा नहीं है और आप बार बार एक का जिक्र कर रहे हैं। मैं बैंक लुट के ब्यावांगा, एक ही पैन बड़ी है। चोरियां करने दी आदत छड देवे, चुप कर जा मुखो, गल कर लेंदे। तैनु मैं दसना वा, मैं अपने मने दे चूहियां कोल बड़ा तंग आ। अच्छा, मेरे कार्ट में बादाम लिया के रखे सन। अच्छा, मेरे सारे चूहे बादाम खा गए, मैं विचो कोड़े कोड़े बादाम ज्यादा रखे। चूहा हुण पहले मीठा बादाम किवें खांदा है, बाद कौड़ा मिल गया बादाम ते चूहे ने किवें खाता है? ये कौन सा वाला बादाम? मीठे वाला मीठा बादाम खान लिया सी मैं, जब क्या मैं कहे तो मेरे सारे बादाम खा जाएगा। मैं कौड़े बादाम लिया के रखे, हुण ओदे की रिएक्शन ने? मैं तेरे ऐसे बादाम लिया के रखे सन, तू तो नहीं खा गई बादाम मुको? और तेरा बेड़ा तेरे डॉगी, यकीन करो एडे सियाने ने अजकल दे, मैं तेन की दसा? और कोठी आलिया के घर कोई बंदा आ जाए, उन्होंने लोग तमीज डॉगी बुला देने,
बुआ खड़काया, डॉगी ने पूछा साहब रिका आज है तेन पढ़ कुत्ते भी होंगे ने उन्हों का कुंडा खड़का तो पाऊंग बड़ा अजीब ने मैं क्या शीदे भौंकने में अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा वो इनको ही समझ में आता है मुखो ओ वेले तो जरनी जो मैं सिरे बन के तेन व्याहना सी आने बाले गली दी गंढ ते बह के शादी हो गई ओदी ओ नहीं मैं क्या सी नूरी नाथ नु नूरी नाथ ने मनु आखिया चटा जंज नाल बंदे बड़े ठीक ठाक होने रोटी बदनी नहीं चाहिए मैं नूरी नाथ नु क्या मैं रोटी चुकने वाले बंदे लभने ने मैनू बंदा कौन नहीं लभना इंज कु तक नहीं मेरे वाल नहीं पूछना चाह रही थी कि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पेन में होते हैं मतलब अडॉप्टेड एनिमल्स और आपको पता है कि वो ठीक नहीं हो सकते तो आप उनको क्या डू यू किल देम एक्चुअली इसको हम किल तो नहीं कहते इट कॉल पेनलेस डेथ मीन्स के यूथनेजिया मेडिकल की जुबान में हम कहते हैं उसके लिए अगर लेट्स सपोज रोड एक्सीडेंट है पैरालाइज हो गया जिसमें कोई चांसेस नहीं है तो रिकवरी के तो उसमें फिर हम ये करते हैं उसमें ये होता ये है प्रोसीजर कि उसे पहले एनेस्थीजिया देते हैं कि पेन कम से कम फील करे फिर उसे जो आप कहते हैं रेलिवेंट मेडिसिन होती है जो हम यूज़ करते हैं जो उसके बिल्कुल हार्ट अटैक करा दे जैसे इस तरह का होता है तो वो विद इन 5 मिनट ही एनिमल। अच्छा लेकिन देखा गया जैसे बाहर के ममालिक में जानवरों अगर वो पैरालाइज हैं उनके पीछे रेड़ियां और ऐसी चीज़ें हैं उनको मतलब किया जाता है कि वो फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डिपेंड करता है अगर वो पैरालाइज है और बाकी उसकी इनटेक फीड की या उसका जो डेफिकेशन है यूरिन कर रहा है स्टूल पास कर रहा है वो सारे उसके कंट्रोल में है तो फिर तो ऐसा करना चाहिए। एक स्टेज आती है पैरालाइज होता है एनिमल तो वो कुछ भी नहीं कर सकता अपना स्टूल भी पास नहीं कर सकता और यूरिन भी नहीं कर सकता तो वो और पेनफुल हो जाए ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं। जो पहली सिचुएशन है कि वो यूरिन भी कर सकता है कंट्रोल होता है उसका और सारी चीज़ें तो उसमें ये भी करते हैं इवन के मेरा ख्याल है हमने कराची भेजा भी है एनिमल इसी चीज़ के लिए कि वहाँ पे उनको कार्ड लगे और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारें। अच्छा ये एक और चीज़ देखी गई है कि ना जब भी हम जानवरों को रखते हैं बड़े शौक से रखते हैं लेकिन जो हम रख रहे हैं जो मालिक हैं उनके उनको बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। डॉग से एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को पेट्स इवन कुछ लोग कहते हैं कि कैट्स का या बच्चे एग्जैक्टली या उसका बाल गले में चला जाए तो आपको पता नहीं क्या क्या हो जाता है इतने सारे। मेरे ख्याल है जब जो है ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उस वक्त ये मिथ्स सामने आती हैं। ये जो आप कह रहे हैं अस्थमा हो जाता है हेयर से मेरा ख्याल है जिसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो उससे हो जाता है जैसे इंसानों में पोलन ग्रेन्स आप स्प्रिंग सीजन आता है तो एलर्जी हो जाती है सेम यही इशू अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल नहीं तो सबसे पहले हम डॉक्टरों को होता है ये प्रॉब्लम जो है ना जितना हम डील करते हैं बिकॉज़ आई वाज इन सेकंड क्लास जब से मेरे पास कैट्स हैं। अच्छा नो हां नो इशू एट ऑल और मुझे भी कोई इशू नहीं होता आई हैव कैट्स विद टू पर्शियन कैट्स हैं वो मेरे ऊपर नीचे पता नहीं कहां कहां खड़ी होती है लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ शुक्र है कभी कुछ नहीं होता बिल्कुल। अच्छा स्ट्रीट डॉग्स के लिए समटाइम्स एक इस तरह की टीम्स भी बनाई जाती हैं जो कि स्ट्रीट डॉग्स को मार देती हैं ताकि वो लोगों को तंग ना कर सकें या उनको बाइट ना कर सकें तो फिर इस तरह की टीम्स के साथ भी आपका कोई कोऑर्डिनेशन चलता है कि रादर देन आप उनको शूट कर दें या उनको मार दें तो वो आप उनको अडॉप्ट कर लें और समथिंग लाइक दैट। देखिए जी उसका भी मैं हमने एक तोड़ निकाला हुआ है लेकिन पहले तो जी हम ऐसी सोसाइटी जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके साथ तो हम कोशिश करते हैं बट देन अगेन अब जैसे डिफेंस या मॉडल टाउन जैसी सोसाइटी है इट्स टू ह्यूज सोसाइटी टू कवर और हम मुश्किल से नहीं कर सकते पूरी सोसाइटी के साथ हम 15 से 20 लोग हैं टोटल जो काम करते हैं सोसाइटी में तो उसमें तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें कुछ स्ट्रे डॉग्स मिले तो हम उनको जल्दी से पकड़ें और उन्हें किसी फॉस्टर होम में पहुंचा दें और फॉस्टर्स हमें बड़े मिल जाते हैं। उसके अलावा हमने एक नया प्रोग्राम रिलीज किया इट्स कॉल्ड TNR ट्रैप न्यूटर और रिलीज। अच्छा उसमें हम ये करते हैं कि हम पकड़ते हैं ऐसे जानवरों को जिनका हमें डर होता है उनको क्या नाम है हम न्यूटर कराते हैं। न्यूटर कराने का मतलब उनका ऑपरेशन कराते हैं जिससे आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं करते कुत्ते भी और कुत्तियां भी बिल्लियां बिल्ले सब और उसके बाद हम उनको एक स्पेशल किस्म का टैग बांध देते हैं ठीक है जिससे लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये जानवर ऑपरेटेड है ये आगे कोई बच्चे नहीं पैदा कर सकता तो उससे ये होता है कि आगे क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगी वो जानवर अपनी पूरी जिंदगी जी लेगा
और आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अभी हमारी मॉडल टाउन सोसाइटी से कुछ थोड़ी सी बात इसके बारे में चल रही है और हम और सोसाइटी से भी बात करेंगे, काफी एक्सटेंसिव प्रोग्राम है लेकिन मेहनत की जरूरत है। अच्छा, TWA जो है इसका मेन हब जो है वो लाहौर में ही है या लाहौर में ही? जी, हमारी प्रेसिडेंट हैं किरण माहीन। ओके। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी कुछ 6-7 महीने पहले जब वो एक और सोसाइटी में काम करती थी, वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा था, बातें ज़्यादा थी, काम कम थे, तो किरण ने उस सोसाइटी से शुरू में मैंने वो सोसाइटी छोड़ी, फिर उसके बाद किरण ने छोड़ी, हम सब ने फिर मिल के बातचीत की और हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाने का फैसला किया जो काम पे ज्यादा बिलीव करती है और बातों पे काम। बातों पे काम। टॉड जो है वो किरण का ही पहले कुत्ता था जिसके नाम पर जिसकी याद में बनाई है सोसाइटी बनाई है, और अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमने कोई 27 कुत्ते और कोई 5 बिल्लियां हम अडॉप्ट करवा चुके हैं। वाओ, वंडरफुल, इट्स रियली ग्रेटफुल जी है ना। आप कुछ प्रोसीजर क्या है अगर कोई आपको मतलब अडॉप्ट करना चाह रहा हो कोई डॉग? या देखें जी, प्रोसीजर वही है, हम तो इनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं, प्रोसीजर तो वही है। हम एक अडॉप्शन फॉर्म भेजते हैं, जो भी अडॉप्ट करना चाहता है वो अडॉप्शन फॉर्म पूरा भरता है, फिर हमारे डेटाबेस में वो वापस हमें सेंड कर देता है, वो हमारे डेटाबेस में एंटर होता है, अपनी शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी देता है और 500 फीस है अडॉप्शन की, उसके बाद वो जानवर उसका हो जाता है। और अगर वो नहीं रखना चाहता तो हम उसे कहते हैं कि हमें वापस कर दो, तुम्हारी फीस 20% हम वापस कर देंगे। एंड अल्लाह का शुक्र अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया, मतलब वापसी की नौबत नहीं आई, वापसी की नौबत नहीं आई, क्योंकि जो एनिमल लवर्स हैं वो ये नहीं देखती कि प्योर ब्रेड है या नहीं है या क्या है, उनको बस ये होता है कि एक जानवर है जिसे घर की जरूरत है। Do you have some website या Facebook page? We have a Facebook page, it's called Todd's Welfare Society, TWS. एक सफेद सा कुत्ता बना हुआ है जिसके रेड रंग का उनका इंसिग्निया है और हम क्या नाम है उसी पे वर्कआउट करते हैं। लोग जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अपने घर के बाहर कोई कुत्ता मिल गया जो जख्मी हुआ है, आप उसकी एक पिक्चर और साथ एड्रेस अपना लिख देते हैं, विद इन हाफ एन आवर हमारा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे पहुंचता है। अच्छा, आप खुद जाके ले आते हैं? जी जी बिल्कुल, हम जी हमें खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है क्योंकि और तो कोई हमारे लिए काम करेगा नहीं। और मेरी मुखौनो में जा पूछ लो तो 10 कुड़िए मैं तो मर्जी लेसा ओए मुखो मैं तो करना और कुड़ी लेनी हो का मुंडा बिल्ली लेनी हो का कुत्ता बिल्ली की बल्कि बात चली पड़ी है तो मैं डॉक्टर आबिद साहब से पूछना चाहूंगी कि बिल्ली जो है इट्स अ वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब इवन सर्दियों में भी और गर्मी में आप कभी भी देखें कि वो हमेशा ठंडक वाली जगह में जाएगी इटसेल्फ, तो उसके लिए जिस तरह से अभी तो पीक है बिल्कुल गर्मी की, तो उसको किस हद तक थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या किस तरह से उसकी क्योर की जा सकती है और कौन से मतलब ऐसे है कि उसको हीट स्ट्रोक से मैक्सिमम हम लोग रोक सकते हैं? जो कैट्स या पेट्स में गर्मियों के इश्यूज आते हैं कुछ, एक तो उनमें स्किन प्रॉब्लम में इनमें फ्ली या टिक्स होते हैं उससे भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरा इनके जो कैट्स खुसूसन पर्शियन जिन जो लॉन्ग हेयर कोटेड होती हैं उनमें यही है, हम यही सजेस्ट करते हैं कि इन दिनों में उनकी कटिंग करा दें, तो वो भी इजी फील करती हैं और उन्हें पानी हर वक्त उनके पास होना चाहिए, मींस के कुछ लोग उन्हें क्लोज करके चले जाते हैं ड्यूटी वाले, तो कम से कम इतना हो कि उसकी केयर की जाए और साथ ORS मींस के जो उन्हें दे सकते हैं ये सारी चीजें जो है ना, तो यही है कि उसकी मैनेजमेंट जो है ना हमने देखनी होती है, अदरवाइज तो कोई अच्छा और बेस्ट फूड उसके लिए लाइक इट शुड बी बॉइल्ड कि हम बॉइल करके दें या हम विदाउट बॉइल भी उसको दे सकते हैं इफ इट कम्स टू लाइक मीट है चिकन है और व्हाटएवर? मेरा ख्याल बॉइल ज्यादा अच्छा है, बॉइल ही हम ज्यादा सजेस्ट करते हैं, लेकिन कैट आर टू मच चूजी, ये सिलेक्टिव ईटर हैं, जो पसंद आता है वो खाती हैं। Exactly. अगर रॉ मीट देंगे तो नेचुरली तो ये शिकार करती है कैट और रॉ मीट प्रेफर करती है, रॉ मीट जब आप देंगे तो उसके बाद ये कुक मीट या जो कैट फूड्स हम देते हैं वो फिर नहीं खाती, तो इसलिए बेहतर है उस पर लगाने की बजाय आप कैट फूड दें, जैसे आजकल बिजी होता है हर बंदा तो कैट फूड का ये अच्छा होता है, निकालिए उसके आगे रखें अपनी मर्जी से खाती रहे, कोई कुक नहीं करना कुछ डालना नहीं हमने, तो वो ज़्यादा ईजी होता है अगर कैट फूड। एक चीज़ मैं डॉक्टर आबिद की बात को ऐड करूँगा, गर्मियों में जी एक दो चीज़ें, मेरा अपना ये ख्याल है कि गोश्त का कम हमें यूज करना चाहिए, हालांकि बेशक मीट ईटर्स हैं, आपने शायद आपके पास बिल्लियां थी आपने बताया था आपके पास नहीं, आपने शायद नोटिस किया गर्मी की वजह से खाना कुछ कम कर जाते हैं, बहुत ज्यादा कम कर जाए और बिल्कुल ही खाना कम कर जाए, दैट्स एन अलार्मिंग साइन, लेकिन उसके अलावा गोश्त का कुछ हमें मिकदार कम रखनी चाहिए। उसके अलावा मैंने मेरे पास खुद भी एक पर्शियन है तो मैंने उसमें ये किया हुआ, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था ये एंड इट्स वेरी इफेक्टिव कि बिल्ली के जो पंजे हैं उन चारों को थोड़ा सा हाथ गीला करके, अच्छा, उसके पंजों को गीला कर दें, उसकी बॉडी को गीले हाथ के साथ एक दफा मल दें,
क्योंकि बिल्लियां हीट काफी रिलीज करती हैं अपने पंजों के थ्रू, तो दिस इज अ वेरी गुड हैक अगर आपने बिल्ली को डरती नहीं है पानी से बहुत ज्यादा, वो तो पानी पास आए वो भाग के, नहीं जी आपका जानवर है तो आप जरूर ध्यान रखिए बिल्ली भाग जाती है पानी उसको हाथ भी लगा फोमी से होते हैं जो कैट के होते हैं ना, अच्छा उसको मतलब हम वाटर सॉर्ट ऑफ वाटर अपने हाथ गीले करके बस उसके हाथ पे लगा दें हर 4-5 घंटे बाद करें जब तक शाम का टाइम नहीं आता आपकी बिल्ली कूल रहेगी बिल्कुल ठीक जी। अच्छा डॉक्टर आबिद मेरे पास आई हैड अ टॉर्टाइज लेकिन वो सर्दियों में बेचारा उसने कुछ भी खाना बंद कर दिया कुछ नहीं खाता था और उसके बाद उमर गया। एक्चुअली टॉर्ट्स वगैरह इनका टेम्परेचर मेंटेन करना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मींस के सर्दियों में मोस्टली ये चीजें जो है ना हाइबरनेट हो जाती हैं छुप जाती हैं तो इस वजह से वो फिर खाना छोड़ देते हैं और उनका ये इशू आता है। अच्छा तो खाना ना खा के फिर वो मर जाते हैं? डेफिनेटली भूखा रहेगा तो मरेगा, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो अल्टीमेटली उसने कोलैप्स करना। तो मैं अभी तक सोच रही थी कि उसको हुआ क्या था तो आई थॉट मैं आज आपसे पूछ ही लूं। ये रीज़न हो सकती है। दूसरा बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे थे जो पंजे गीले करें, एक्चुअली इनमें भी इतना गीला करें जो ड्राई भी हो जाए, बाद इनके पंजों के दरमियान जो इंटर डिजिटल स्पेस होती है वो ज़्यादा वेट रहने से भी फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जस्ट वो जैसे कह रहे हैं हार्ड टच करें और फिर उनको जो है ना जस्ट कूलनेस फील करानी है वो कर सकते हैं हम, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट वाटर एनिमल तो ये पानी पसंद नहीं करते। अच्छा अगर इनको नहला दें ज़्यादा फिर भी बीमार हो जाते हैं? मोस्टली जो हम सजेस्ट करते हैं वीक में जो है ना 2-3 दफा नहला सकते हैं, लेकिन मोस्टली आनर यही करते हैं कि डेली नहलाते हैं, कोई इशू नहीं है उसके बाद ब्रेक कर। डॉग को क्या हो रहा है बेटे बैठे हैं ना, आपने नोटिस किया? वो देखिए मेरे हाथ से गर्मी से तबीयत तो नहीं खराब हो रही? मेरी मुखड़ में दो टीके लाओ। गाना आया तो फिर रोके नहीं इसको, ऐसी चीजों को रोकना नहीं चाहिए। दिलदार मेरे प्यार गलो बच के ते दस किथे जावेगा, अजे होर गल्ला होनगियां पक्कियां ते तू जिन्ना जोर लाएगा। ओए मेरा ते जोर ही मुक्या तेरा बेड़ा तेरे, ओए मलका दे पोतरे मारे सन आज ते नटा दे दोतरे भी मार देंगा। ओ मैनु तेरे सारे गंदे कमां दा पता है। आपकी इस कुल्हाड़ी का क्या फायदा जब लोगों ने आपसे डरना ही नहीं है? बाजी चुक के जांदा है। एक कुल्हाड़ी नहीं एक गंडा से एदे नाल मैं तौड़ा लाना कदी कदी शेव भी कर लेना। इतने बड़े उसके साथ शेव करते हैं आप? छोटा सा तो मुंह है आपका। पैसे नहीं देते शेव करने वास्ते तालू की अच्छा। तक कंपेयर ए जेड़ा कंडा था जी एटा बड़ा कंडा था जी और जिदो सी फिल्म रची जो गैप होया यकीन करो ओए ना ने दुख के नाल मेरा कंडा सा भी छोटा हो गया। मैं तो कह सी फिल्म रची वाले और मेरे मरण के बाद और फिल्म रची चौक के रख देंगे पर की दसा तानू ओए ना ने दिन ब दिन मेरे मरण के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने थल्ले छुपना शुरू कर दिया। बस कर मौलिया इंज वाला ना मारिया करनी मैं खूज बैठा तेरा बेड़ा तेरे ना गया मैं कब अच्छा ये डिस्कशन तो हमारी इसी तरह से जारी रहेगी। एंड व्यूअर्स आई एम श्योर कि हमारा जो अभी तक का प्रोग्राम है आप उसको जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। एज यूजुअल मुझे यहाँ पे लेना है एक छोटा सा ब्रेक, सो कीप वॉचिंग रॉयल कैफे एंड आई विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक।